और कहते हैं पता नहीं इसलिए जिंदगी खराब कर दी एक लड़की की है भाभी, कहते एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। यार आपकी बेटी तो नहीं थी ना वो, या वो भाई है या जो भी है कोई भी है जो कमेंट्स ऐसे करता है बुरे बुरे, तो बस मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती। जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनका मतलब के ना जो इंसान खुद बुरा होता है ना तो हर किसी को वो बुरा ही बोलता है, खुद बुरा है ना जो, वो हर किसी को बुरा ही बोलेगा, किसी को अच्छा उसके मुँह से ना कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। तो बस आप सबने बहुत सारे जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स भी हैं और जो बहुत सारी दुआ भी करते हैं और बहुत सारा सपोर्ट भी करते हैं और बैड कमेंट्स तो करते करते अच्छा वीडियो यार वॉच तुम कर लेते हो पूरी एंड तक वीडियो वॉच करते हो बुरे कमेंट्स भी कर देते हो हैं, ये कैसी बात है। तो बातें तो खत्म होती नहीं है, हैं जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी अच्छे कमेंट करते हो और आप सबने बहुत सारी दुआएं जो अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे बहुत सारी दुआएं उन्हें मेरी भाभी की और मेरे भाई के लिए की, खुदावन भाई इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और खुदावन जी भाई हमेशा हमेशा इन्हें अपने घर में खुश और जो ना कहते हैं औरत के नसीब में जो ना रिजक होता है, तो ये सच बात है। मेरी भाभी घर पर आई है तो खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है, खुदावन जी ने बहुत दिया है। और भाभी आपको मतलब के कैसा लगा है, मतलब के कभी सलेमान से मिले नहीं देखा नहीं तो कैसे मतलब के घर कैसा लग रहा है हमारा? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मामा पापा कैसे हैं, मेरे बहन भाई कैसे हैं, मैं कैसी हूँ? बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे मामा पापा भाई, मामा पापा हर किसी के बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं कहती हूँ खुदावन जी जो ना बेटियों के नसीब अच्छे करें। अच्छा जी और अभी भाभी लोग, मैंने भाभी को कॉलिंग कर दे दी, अभी चाय बनाते हैं इनके लिए अच्छी सी। क्यों अभी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, ठंडा गर्म मिक्स हो गया ना अंदर धमाका हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ भी होगा, अभी आपका भाई भी आ जाता है। आप बताओ आपने खाना क्या है, हैं क्या खाना है? मैं तो खा पी। हेलो जी वर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूं, खुदा उनका शुक्र है। और आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों के बाद मेरा भी व्लॉग आ रहा है, तो आप सबसे पहले से सबसे बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब सलेमान की शादी के बाद, तो इसकी वजह से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किए। और गोपाल मामू की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सब मुझे कॉल कर रहे हैं आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो आपने मेरे लिए सबसे पहले बहुत सारी दुआ करनी है। खुदावन जी ने मतलब कि अभी तो मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, वरना मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो आज हमारे घर पे कौन आया तो मैंने व्लॉग शुरू किया, मुझ में हिम्मत आई है तो मैंने व्लॉग शुरू किया है। और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कर कर कौन कौन आया है और कौन से हमारे ख़ास मेहमान आए हैं पहली दफ़ा, तो मैं बैक करती हूँ आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। हाँ जी तो व्यर्जियाँ मिले मेहमानों से। हाँ जी अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ जी शुक्र है खुदा का। तो व्यर्जियाँ यहाँ हमारी भाभी आई है और पहली दफ़ा भाभी आई है और यहाँ सुलेमान भी आया। हाँ जी हेलो गाइस कैसे हो? ठीक हो? आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हो। और सुलेमान बड़ा प्यारा और बड़ा शरीफ लग रहा है। शरीफ हो गया, मैंने शरीफ कर दिया, शरीफ मैंने शरीफ कर दिया, शरीफ कर दिया आपने। चलो जी खुदावन आपको ऐसे मुस्कुराता रखे और खुदावन भाई आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहो ठीक है। ओके। और इनके लिए मैंने मंगवाई कोल्ड ड्रिंक, तो जल्दी से इन्हें पानी देते हैं ठीक है, पीना कि नहीं? पिला दो। कह रहा था नहीं पीना, तो नहीं था पीना, हम पी भी के हैं। क्या पी के आयो? वो ठंडा पानी पी के आए, ठंडा पानी। भाभी ये क्या कह रहे हैं? फ्रिज में से ठंडा पानी पी के आए। हाँ तो मैंने कहा भाभी पहली दफा आई है मेरे घर पे है। यहाँ सुलेमान कह रहा था मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तो इसे मैंने भर के इधर तिकर भर के ग्लास दिया था तो इसने पी लिया, तो अभी भी कह रहे हैं मैंने नहीं पी, नहीं पी या नहीं? मैंने नहीं पी। किसने पी है? अंदर से, अंदर से रूह ने पी है। अच्छा जी ये क्या कह रहा है भाभी? मैंने लादा भाभी ने पी ली है। अच्छा जी और अभी भाभी लोग, मैंने भाभी को कॉलिंग कर दे दी, अभी चाय बनाते हैं इनके लिए अच्छी सी। क्यों? अभी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, ठंडा गर्म मिक्स हो गया ना अंदर धमाका हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ भी होगा, अभी आपका भाई भी आ जाता है। आप बताओ आपने खाना क्या है, हैं क्या खाना है? तो खा पी, खा पी के टैट होके ये फिर आया है, ये क्या कह रहा है? क्या खाओ? क्या ब्रेक? भाभी कह रही ब्रेक, ये कोई गाड़ी नहीं जिसकी ब्रेक लगेगी। ये स्टॉप हो जाता है क्या? हाँ भाभी कह रही ब्रेक लगा, ऐसे बताओ जरा सुलेमान। स्टॉप करो, स्टॉप करो, खुद भी बताओ हाँ क्या कह रहे हैं। तो जी वर्स यहाँ भाभी बैठ चुकी है और जो ना सुलेमान जो ना बाहर चले गए हैं, अकेले छोड़ के चले गए हैं। और भाभी कैसा लग रहा है हमारे घर पे आकर? बहुत अच्छा फील हो
भाभी कह रही थी मेरा ये दिल कर रहा है खाने का है। हाँ। भाभी को मंगवा के दिए, भाभी बोलती है मैंने खाने, भाभी इतना मसाला सही है, मजा आएगा है। और भाभी मेरी बहुत खुश है यार, आप सब मेरी भाभी के लिए बहुत सारी दुआ करो। और प्लीज़ यार बैड कमेंट्स मत करा करो, अगर वीडियो देखनी होती है तो देखा करो, नहीं देखनी होती तो नहीं देखा करो, ऐसी ही बात है ना। कहते हो आपकी वीडियो भी देखे और दुआ भी करे, तो दुआ एक बड़ी बहुत बड़ी नेमत होती है, बताओ। हाँ। दुआ एक बहुत बड़ी, अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो हमारे लिए पहले सारे काम खुदा कर देता है। हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए खुदा उससे भी बेहतर अच्छा सोचता है। और लोग कौन से आगे बोल रहे हैं हम तुम्हारी भाभी के लिए दुआ भी करें, ये करें वो करें, तो प्लीज़ यार आप वीडियो नहीं देखा करें हैं। और जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, अच्छे हैं, जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो बुरे करते हैं, जो ऐसे घटिया लोग होते हैं, वो ऐसे कॉमेंट्स करते हैं हैं, और कहते हैं पता नहीं इसलिए ज़िंदगी ख़राब कर दी एक लड़की की हैं भाभी, कहते एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। यार आपकी बेटी तो नहीं थी ना वो, या वो भाई है या जो भी है, कोई भी है जो कमेंट्स ऐसे करता है बुरे बुरे, तो बस मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती। जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनका मतलब के ना, जो इंसान खुद बुरा होता है ना तो हर किसी को वो बुरा ही बोलता है, खुद बुरा है ना जो, वो हर किसी को बुरा ही बोलेगा, किसी को अच्छा उसके मुँह से ना कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। तो बस आप सबने बहुत सारी जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स भी हैं और जो बहुत सारी दुआ भी करते हैं और बहुत सारा सपोर्ट भी करते हैं, और बैड कमेंट्स तो करते करते अच्छा वीडियो यार वॉच तुम कर लेते हो, पूरी एंड तक वीडियो वॉच करते हो, बुरे कमेंट्स भी कर देते हो हैं, ये कैसी बात है। तो बातें तो खत्म होती नहीं है, हैं जो लोग अच्छा कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी, अच्छे कमेंट करते हो और आपने बहुत सारी दुआएं, जो अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे, बहुत सारी दुआएं उन्होंने मेरी भाभी की और मेरे भाई के लिए की। खुदावन भाई इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, और खुदावन जी भाई हमेशा हमेशा इन्हें अपने घर में खुश, और जो ना कहते हैं औरत के नसीब में जो ना रिजक होता है, तो ये सच बात है। मेरी भाभी घर पे आई है तो खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है, खुदावन जी ने बहुत दिया है। और भाभी आपको मतलब के कैसा लगा है, मतलब के कभी सुलेमान से मिले नहीं, देखा नहीं, तो कैसे मतलब के घर कैसा लग रहा है हमारा? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मामा पापा कैसे हैं, मेरे बहन भाई कैसे हैं, मैं कैसी हूँ? बहुत अच्छे हैं मामा पापा भाई, मामा पापा हर किसी के बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं कहती हूँ खुदावन जी जो ना बेटियों के नसीब अच्छे करें, और मेरी भाभी बहुत खुश है। आप प्लीज़ बैड कमेंट्स मत किया करें, और मेरी कहते हैं इंसान के चेहरे से जो ना पता चल जाता है खुशी का, सही बात है, चेहरे से पता चल जाता है खुशी का। और देख ले चेहरे से इजहार हो रही है खुशी की, ये आए 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 आए। तो अभी खाते हैं ये पर जो हमने मंगवाए हैं, पर और दुनचिए हैं, और आपको पता है लड़की को चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद होती है। तो अभी खाते हैं, सुलेमान भी आ जाता है और सोनी भी आ जाता है, मैं इनसे पूछ रही आपने क्या खाना है, फिर सोनी आता है तो इनके लिए कुछ मंगवाते हैं अच्छा सा बाइट से, तो फिर आपको भी मंगवाते हैं। यहाँ जो ना लाइट चली गई है, और भाभी को ना मैंने थोड़ा सा तैयार कर दिया, क्योंकि भाभी का जो ना मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा था और लिपस्टिक भी बहुत, और कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट चली गई, तो मैंने जो ना भाभी की लिपस्टिक भी जो है डार्क कर दिया है, और ब्रशन भी थोड़ा डार्क कर दिया है। भाभी मैंने बोला नई नई दुल्हनों चूड़ियाँ रेड कलर की पहनो, इन्होंने स्टील की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो मैं कह रही रेड कलर की चूड़ियाँ पहनो, पहननी है मेरे पास है, पता नहीं आपको मेरी चूड़ियाँ आएंगी नहीं आएंगी हैं। मैंने देखो उंगलियों पर मेहंदी लगाई, मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा ना रंग कितना आया ना, है ना, मेरा मियाँ मुझसे बहुत प्यार करता है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मेरा सच में मेरा मियाँ बहुत मुझसे प्यार करता है, ये बात तो माननी होगी है, बताओ है ना, मियाँ प्यार करता है। हाँ जी जी, मेरा मियाँ सच में माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार करता है। भाभी आपको भी लगाऊं है, और मुझे ना उंगलियों पर मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, पता नहीं मुझे मेहंदी बहुत, मेहंदी चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है? मुझे आपको ही पसंद है, मतलब कि शुरू से, मतलब कि मुझे ना मैं जब अनमैरिड भी थी ना, तो मेरा जो मेहंदी लगवाने का मुझे इतना शौक था, और चूड़ियाँ पहनने का, मुझे रेड चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मेरी शादी हो गई तो मैं मतलब के मेरे हाथों से मतलब के रेड चूड़ियाँ उतरती नहीं, नानों भी मुझे बातें करती है, जो मतलब कि शादीशुदा बेटी होती है ना, वो मतलब शादीशुदा जो भी औरत है ना, तो मतलब के अपने हाथों से चूड़ियाँ नहीं उतरने दे, और जो नोज़पिन होती है वो मतलब कि इन्हें शादी की निशानियाँ होती हैं लड़की की, है ना, तो मतलब के नानो आपको नहीं कहती बातें, नहीं सुनाती है ना, सुनाती है ना बातें, तो नाना मुझे भी बहुत बातें सुनाती थी, कहती थी चूड़ियाँ नहीं उतारो करो, और जो है ना
नोज़ पिन, मतलब कि नोज़ पिन मैंने नहीं पहनी थी ना, तो फिर मैंने सोनी ने मुझे जो ना सोने की जो है ना करीमाबाद से नोज़ पिन लेके दी थी, तो फिर मैंने पहनी। और फिर जो है ना नानों ने मुझे रेड कलर की चूड़ियाँ ला के दी थी, तो फिर मैंने पहनी। तो फिर जो है ना मतलब कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ सोनी के साथ, तो वो मुझे चूड़ियाँ पहनाते दोनों हाथों में। और रात को अबू बोले नहीं जाओ आप लोग बर्गर खाने। मैंने सोचा मैंने नहीं जाना। अच्छा जी। अबू बोले जाओ। मैंने बोला नहीं अबू, अच्छा नहीं जाना बर्गर। अच्छा जी। फिर मैं बर्गर खाने के लिए चली। मेरा अबू इतना मुझे प्यार करता है ना, मेरा अच्छा सोरा जो कहते हैं ना ससुर, इतना ज्यादा प्यार करता है। हाँ जी, जो मतलब कि जो हमारे असली माँ बाप होते हैं वो मतलब के ससुराल वाले होते हैं, लोग इतने बुरे कमेंट्स करते हैं। मेरे लिए भी तो मैं ज़रूर कमेंट्स पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि इसकी वजह से मैं अलग हुई हूँ और क्या बातें थी। तो बस कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं, तो मैं तो आप सबको पता है माशाल्लाह मैं बड़ी फैमिली से हूँ बिलोंग करती, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा बैकग्राउंड आपको पता है, हमारे सब जो ना ददियाल भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और जो ना मेरे मतलब के मामू लोग भी हैं माशाल्लाह से, मेरा नान का भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और सब बहुत अच्छे हैं। बताओ भाभी मामू कैसे, मामियाँ कैसी हैं ये तो बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी है, मामू भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा सब लोग मुझे बहुत अच्छा प्यार करते हैं। और क्या उसका नाम है, हम लोग जाएंगे ना घूमने फिरने, आपको वीडियो आप। हाँ हाँ जी जी, भाभी को हमने, मैंने सोचा भाभी को ना फार्म हाउस लेके जाना है, क्योंकि भाभी को भी घुमाना है। और जो ना जैसे मतलब के जो ना अभी थोड़ा फ्री होते हैं और सबकी तबीयत, सुमन की भी तबीयत ख़राब है, तो सुमन भी व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं करी, तो आप सबने सुमन के लिए बहुत सारी दुआ करनी है, मेरी बहन जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, हट्टी कट्टी हो जाए, हैं भाभी। और जो ना अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।